क्या नाम है इसका? इसका नाम है स्कोर। स्कोर, आप क्रिकेट के फैन हो। आपको डर तो नहीं लगता इससे? नहीं लगता। गाइस, गोल्डन रिट्रीवर बिल्कुल प्रॉपर विद फैमिली, फ्रेंडली है। तो इसके साथ छोटा सा इंटरव्यू, क्योंकि बहुत सारे लोग गोल्डन रिट्रीवर लेना चाहते हैं लेकिन बहुत में मन में बहुत क्वेश्चन होते हैं बालों के रिलेटेड, तो कुछ बातें करते हैं फैमिली के साथ। जी सिंह साहब, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। सिंह साहब कहाँ से? हम पटियाला से हैं जी। ओके, थोड़ा पहले तो ये ब्रीड के बारे में बताइए, ये कौन सी ब्रीड है? ये गोल्डन रिट्रीवर है। ओके गाइस, और मैं आपको इसलिए रुका कि बहुत सारे लोग है ना सोचते हैं कि गोल्डन रिट्रीवर के बाल इतने ज्यादा होते हैं और ये पंजाब में या खासकर गर्मियों में इनके हेल्थ इश्यूज होते हैं, कि आप क्या एज है इसकी? ये अराउंड 11 मंथ्स है। 11 मंथ कंफर्टेबल है, गर्मी सर्दी दोनों के लिए इसकी कोट परफेक्ट है। ओके, एज ए लंबे बाल होने के नाते, क्योंकि मेरे को मालूम है इसके बाल 1.5-2 साल तक प्रॉपर आते हैं, 2.5 साल तक भी कोट इसका आता है, क्या आपको जो अभी गर्मियां गई उसमें कभी लगा कि घर में बाल बहुत झड़ते हैं, वाइफ ने आपकी ने कुछ कल कंप्लेंट किया हो, गुड़िया बैठी उसने कंप्लेंट किया हो कुछ? गर्मियों में बाल कंपैरेटिवली तो ज्यादा झड़ते हैं, बट हम डेली अगर इसको कॉम करें तो मतलब वो जो फॉलिंग होती है वो बहुत कम हो जाती है। ठीक है, बाकी रही बात इसके बिहेवियर की, कभी लगा कि आपको कि ये स्ट्रेंजर के ऊपर, जैसे आई एम सी राइट नाउ कि ये बिल्कुल यहाँ पर मेरे वीर हरपाल सिंह, ये बहुत फ्रेंडली है, अमेरिकन बुली दे रंग दे विच आ, कोई भी ऐसे वो नहीं है कि इसको एंजाइटी हो जाए या कुछ हो जाए या गुस्से में आ जाए, वैसा ये नहीं। शो में पहले कभी आया कि ये पहली बार शो में आया? फर्स्ट शो में लोग गाइस पहली बार आया है और बिल्कुल रिलैक्स है, कोई नर्वस नहीं है। इसका नाम मैं पूछ रहा हूं, हैदर। तो आप सिंह साहब, आपका नाम? हरसिमरन। हरसिमरन सिंह साहब, हां जी। तो आपके आप लोगों को यही कहोगे कि अगर गोल्डन रिट्रीवर आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हां जी हां जी, वेरी गुड डॉग, बहुत समझदार ब्रीड, बेसेंट हाउंड एंड बीगल एग्जिबिटर्स, हां जी। पॉकेट साइज मेल, इंग्लिश पॉइंटर, पॉइंटर। गाइस, इस ब्रीड के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए पूरी, जो बहुत सारे लोग कहते हैं इंडिया में रह नहीं सकता, हाफ इंफॉर्मेशन बहुत खतरनाक होती है, आपको इस फैमिली से ही मिलाते हैं। हाँ जी, सत श्री अकाल पाजी। सत श्री अकाल जी। कौन सी ब्रीड है ये? सैमोयेड है। सैमोयेड, थोड़ा ब्रीड के बारे में बताइए कि ये लोग लेने से पहले बहुत डरते हैं कि गर्मियों में इसका साम संभाल कितना मुश्किल है? नहीं, इतना टफ नहीं है। ये अपने आप, जैसे आपको जिस तरह इनको रखोगे ये उसी तरह यूज टू हो जाते हैं। जब हेयर फॉल के टाइम मोस्टली लेडीज को शिकायत आती है कि घर में बाल घूमते हैं या सोफा या बेड गंदा कर दिया, आपको कितना टफ उस समय जब इसका श्रेडिंग होता है, कितना चैलेंज होता है आपके लिए? पहले तो ये कहा जाए तो शौक की बात है, अगर आपको शौक है तो आपको ये सब चीजें नहीं इतनी फील होगी, बट हाँ आपको इनको केयर जरूर चाहिए। आप रेगुलरली इनको कॉम करेंगे, अच्छे से रखेंगे, हेल्दी डाइट देंगे तो इतना नहीं, ये सब शिकायत नहीं आती है। और खान पान में कितना मूडी ये ब्रीड होते हैं या जो आप नॉर्मली देखो सब चीजें खा लेते हैं? सब खा लेता है एक्चुअली, सच में ये घर का फूड भी खा लेता है, ऐसा नहीं है कि हमको इनको बहुत हाई फाई कोई फूड देना पड़ता है या हैज टू पर्टिकुलरली कि पेडिग्री पे या कुछ रॉयल कैनन पे रखना, नहीं, वो पार्ट ऑफ सप्लीमेंट्स रहते हैं बट ये घर का खाना भी खाते हैं। बाकी बच्चों के साथ, बच्चों के साथ कितना फ्रेंडली है? बहुत फ्रेंडली, ये इनफैक्ट ये ज्यादा केयरफुल होते हैं बच्चों के अराउंड, अगर बच्चे हैं तो ये उतने शरारते नहीं करते, ज्यादा केयरफुल छोटे, इनफैक्ट हमारे घर इससे भी छोटा बच्चा है उसके अच्छा। साथ भी उतना ही फ्रेंडली, बट कभी ऐसे डर नहीं लगा है कि हम इनको अकेला नहीं छोड़ सकते। ठीक है, क्या नाम है आपका? शरण। और जो इससे छोटा है उसका नाम क्या है? लवदीप। और सेम सिचुएशन सीनियर सिटीजन के साथ भी ऐसे घर में बुजुर्गों के साथ? मैं तो कहूंगी एवरी फैमिली शुड हैव अ डॉग, क्योंकि बहुत अच्छे कंपेनियन होते हैं जो बच्चे ग्रोइंग अप एज में होते हैं, दे आर वेरी गुड कंपेनियंस। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, मैं भी इसके ऊपर जब वीडियो बनाता हूँ या कह लो साइबेरियन हस्की के ऊपर मैंने वीडियो बनाई तो नीचे कमेंट आते हैं कि गरेवाल सर ये आप मत प्रमोट कीजिए, ये ब्रीड इंडिया के लिए बनी नहीं है, ये रह नहीं सकती गर्मियों में, फलाना ढिमका। आप इसकी एज क्या है और आपको क्या गर्मियों में ऐसा कुछ फील हुआ? एक्चुअली हमने ना एक माइंडसेट बना रखा, पीपल आर नॉट वेरी अवेयर इस चीज के लिए,
इंडिया में आप हस्की भी देखेंगे, बहुत तादाद में हस्की भी। मैंने मैंने शूटिंग किया यहाँ पर, वो कहते हैं कि बड़े आराम से रहते हैं, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता। इनफैक्ट हमारे पास इसकी मदर और सिस्टर भी है, वो भी रह रहे हैं। हम कभी ऐसा नहीं होता कि हमेशा ये एसी में रहते हैं। अगर आप इनको एक अच्छा माहौल में, लवेबल माहौल में, वार्म में रखोगे, अच्छे से रखोगे, कभी ऐसा नहीं होगा कि भाई दे विल ऑलवेज नीड एसी। और आपको कभी नहीं लगा कि इसको कोई परेशानी हुई, स्पेशली जब पीक ऑफ गर्मी होती है? एज सच तो हमें ऐसा कभी फील नहीं हुआ, बट हाँ, ही लव्स टू बी अराउंड वाटर। पानी में खेलना इसको अच्छा लगता है, काफी अच्छा लगता है। तो हाँ, सॉरी मैं इसका नाम भूल गया, क्या नाम है इसका? इसका नाम है स्कोर। स्कोर, आप क्रिकेट के फैन हो? ठीक है, और कोई चीज आप जो व्यूवर्स हैं जो इसको लेना चाहते हैं लेकिन मन में क्वेश्चन है कि यार मैं बालों के रिलेटेड, टेम्परेचर के रिलेटेड कैसे मेंटेन रखूंगा, कोई मैसेज हो आपका? मैं तो यही कहूंगी कि people need to read a lot about this. कुछ भी buy करना, I'm not saying you should particularly boys moid. कोई भी आप breed लेना चाहते हैं, आप अच्छे से उस बारे में पढ़िए पहले। Don't go on what people are saying. वो सब myths हैं। जिन्होंने actually रखे हैं, उनसे बात कीजिए। That will help you and आपको बहुत अच्छा vision मिलेगा कि आपको ये रखना चाहिए या नहीं। Thank you very much, madam. आपने बहुत अच्छा message दिया। तो my friend, अगर आप समयोर या husky लेना चाहते हो तो नॉट टू बी वरी, आप रखिए, ये आपके सामने एग्जांपल है, बच्चों के साथ बिल्कुल फ्रेंडली और प्यार करने वाली ब्रीड। और जस्ट थोड़ा बहुत खान पान टेम्परेचर मेंटेन रखिए और ये रह सकता है फैमिली। गाइस, इनका पेज भी है इसका, मैडम क्या पेज का नाम है? स्कोर्स मॉयल चैनल। ओके, आप दिखा सकते हो सर, फोन में है क्योंकि वहाँ पर नॉइज बहुत है, हो सकता है कि कुछ गाइस ना सुन पाए। गाइस, इस नन्हे का आपको हर एक डिटेल इंफॉर्मेशन इसके पेज में आपको मिल जाएगा। प्लीज जरूर पेज को लाइक कीजिए और इस ब्रीड के बारे में अगर और इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस फैमिली से जुड़ सकते हैं। थैंक यू जी। थैंक यू। ओके जी, सत श्री अकाल सिंह साहब। सत श्री अकाल सर, की हाल चाल है जी? बस सब ठीक ठाक। गुड़िया जी, आ जाओ आगे प्लीज। सर पहले बताइए कौन सी ब्रीड है ये? सर हिमालयन शिपडॉग है जी। है शिपडॉग? हिमालयन शिपडॉग 10 मंथ का पापा जी। जस्ट हिमालयन शिपडॉग? यस सर, 10 मंथ का पापा जी, ते अपनी ब्रीडिंग का बच्चा जी है। इस टाइम पटियाले सनौर दिता हुआ भाई साहब नूं, इन्हां दे ओनर इहने जी है, ते अपनी होम ब्रीडिंग का बच्चा जी है। ओके, कितना है मुश्किल है इसको संभालना? सर संभालना मुश्किल इदा जी, जिदा शरीर आ उन्नी इन्हें ताकत है जी, पर उन्नी इन्हें इंटैलीजेंसी भी है। बहुत इंटैलीजेंट ने, घरदियां लई बहुत फ्रेंडली ने, पर एक साथ ही जॉइंट ब्रीड है जी, तो जॉइंट जिड्डा बड़ा शरीर है जी, जो ताकत शो करूगा ता ही उहदा फायदा जी। बिल्कुल, मतलब एडा बड़ा डॉग जे सुस्त होवे, ठंडा होवे, तो आपां तो कोई फील नहीं आना। ये शीप डॉग है, इहदा मतलब ये फार्मिंग वास्ते है, बड़े फार्म हाउस के रखने वाली ब्रीड है जी। ये भी आप इन्हें खुला रखिए तो गार्ड के परपज से इन्होंने वरत सकते हैं। इहदा फादर रिंग के लास्ट ईयर चैंपियन रहा होया जी, ते अपना प्रॉपर कैनल आ जी समाणे बखरवाल डॉग कैनल, ते उदा यूट्यूब वगैरह इंस्टाग्राम ते पूरा लिंक हैगा जी। बखरवाल डॉग मिल जाते हैं अपने कोले, हिमालयन शीप डॉग जेड ब्लैक, टैन ब्लैक, क्रीम ब्राउन, सारे रंगा च अवेलेबल ने जी। ते ये तो अलावा जेडे अपने कोल डॉग ने सारे तुहानू शो क्वालिटी ते बड़े कोट दे विच, बड़ी हाइट दे विच, हर टाइप दे डॉग मिल जाते हैं। सिंह साहब, इनके जो कोटों को अभी उनके पास चल रहा है, गर्मियों में संभालना इनके बालों को, इनके कोट को कितना मुश्किल है? सर मुश्किल इनका ऐसा होता है, थोड़ा सा अगर बंदे को थोड़ी सी नॉलेज की जरूरत होती है। एक्चुअली ये जो ब्रीड है ना, ये इंडियन ब्रीड है, ये अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट अपने आप को खुद चेंज करती है। जैसे अप्रैल आ गया, थोड़े बहुत ये बाल खुद शेड कर देंगे, काफ़ी हद तक शेड कर देंगे। जब मौसम बिल्कुल परफेक्ट हो गया, ठंडा हो गया, ऑटोमेटिकली बाल आ जाएंगे। हाँ, अगर किसी बंदे को थोड़ा ज़्यादा परेशानी आ रही है, बाल ट्रिम भी करवा सकता है, नहीं तो ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट ये अपने आप को चेंज करते हैं। दूसरी बात, कोई एसी वगैरह की इनको जरूरत नहीं पड़ती, नॉर्मली कूलर पंखे में इनका अच्छा काम चलता है जी। ठीक है जी। हाँ जी, बाकी अपना मेंटेनेंस, जब बंदे पे मेंटेनेंस पे डिपेंड करता है कि अगर किस टाइप की वो डाइट दे रहा है, थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है जी इसके लिए। और इसका बॉडी वेट मैक्सिमम कितना जा सकता है? मैक्सिमम सर देखिए, जाने का ये होता है कि इस टाइम ये 55 केजी का है जी, 32 इंच इसकी हाइट है जी। Okay. इसका बॉडी वेट जो होता है सर, एक्चुअली तो मेरे अकॉर्डिंग अगर शो क्वालिटी टाइप का डॉग करना चाहो, 60 केजी रखे मैक्सिमम, प्लस चले जाता है पर फायदा नहीं होता उसका, क्योंकि ये वर्किंग लाइन है, वर्किंग लाइन का ओवरवेट का कोई बेनिफिट नहीं होता। बार में जॉइंट्स में प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम जी जी जी, ये वर्किंग लाइन है, एथलीट टाइप की चाहिए, लीन बॉडी की चाहिए। ऊपर से जैसे सर गद्दी का थोड़ा सा चल रहा है, लोग बोल रहे 34 इंच 35 इंच, कुछ नहीं होता, मैक्सिमम गद्दी होता है 33 इंच के होते हैं,
32 इंच का हो चुका है सर, और 10 मंथ का है, मतलब हरेक जो डॉग रखते हैं उनको पता ही होता है कि 10 मंथ के बाद भी डॉग इम्प्रूव करेगा, बिल्कुल आधा एक इंच तो करेगा ही करेगा। मेरे कहने का मतलब है कि एक 33 इंच मैक्सिमम हाइट और 60 केजी वेट अगर गद्दी है आपका तो ए क्लास गद्दी है, स्टैंडर्ड साइज समझ लो इसको। हाँ, बिल्कुल टॉप 30 से 33 इंच पूरा टॉप गद्दी होता है हमेशा, और वेट इसका सर 40 से लेकर 60 केजी टॉप वेट है, उसके ऊपर का जो वेट है ओवर वेट है। सिंह साहब कोई कांटेक्ट नंबर? जी सर, वैसे तो हमारा पेज भी है बखरवाल डॉग कैनल से है, कहीं भी आप सर्च करो मिलेगा जी, और नंबर हमारा है जी 9465835623। ओके, आपको कोई परेशानी तो नहीं अभी तक संभालने में इसको? अच्छा जी, आपके ये गुड़िया है आपकी, और ये आपको कोई लगा कोई कभी डर इससे? बिल्कुल नहीं, आपको कम्फर्टेबल हो, लेकिन जब आप वॉक पर लेकर जा सकते, पुलिंग करता होगा ज्यादा? जाइंट ब्रीड है सर, थोड़ा ना इनका जो एरिया है शहर का एरिया है, मतलब इस ब्रीड का ये है कि इनमें एनर्जी बहुत होती है, इनकी एनर्जी ना जैसे कि इनको वॉक चाहिए थोड़ी लंबी, जहाँ एरिया खुला हो कि खुले में करे, वैसे ये होता है कि थोड़ा देखिए जोर तो दिखाएगा, जो भी है जाइंट है अगर उसी हिसाब से अपना जोर दिखाना भी चाहिए, अगर वो इतनी बड़ी ब्रीड और सुस्ती से बिल्कुल धागे से चल रही है कोई बेनिफिट ना हो फिर दिखावा हुआ। इसका मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, इस ब्रीड का ऐसा बिहेवियर होना चाहिए कि जिस ब्रीड का ना लिया उसका जो करेक्टर है वो शो करने चाहिए। वो मैं आपके माइंड में पिक्चर होती है ना, वो समझ आनी चाहिए। जी जी जी, मान लीजिए किसी ने शीपडॉग के बारे में सोचा, जैसे मेरे पास बखरवाल है उनके बारे में सोचा, उसके बारे में बंदा जो करेक्टर पड़ेगा, अगर उस डॉग में वो करेक्टर नहीं है फिर वो डॉग सही नहीं है, करेक्टर होना जरूरी है, क्योंकि ये है गार्ड डॉग, अगर ये सुस्त होंगे ताकत नहीं दिखाएंगे क्या गार्ड करेंगे। इनका ये होता है किसी का बड़ा फार्म हाउस है, अगला खुला छेड़ेगा रोग छोड़ेगा वहाँ पे केयर गार्ड करेगा तो फील कराएगा कि हाँ हमने घर में कोई शेर जैसा डॉग रखा हुआ है, अगर वो जैसे बिल्ली जैसे लुक कर बैठा रहा क्या फायदा फिर इतने बढ़ेगा, क्या फायदा इतनी खराब का। अच्छा गुड़िया जी, क्या नाम है आपका? क्या आपको डर तो नहीं लगता इससे? नहीं लगता। ओके गाइस, ये साइज बड़ा मैटर नहीं करता, डॉग का स्वभाव और उसको फिजिकल एक्सरसाइज आप दो तो बड़े डॉग को भी कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे ये नन्ही सी परी कर रही है। थैंक यू वेरी मच जी, वेलकम जी।